हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 2, पागल हाथी। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक हाथी की जिसका नाम था मोती। वो अपने राजा की खास सवारी कहलाता था। उस हालत में वो बहुत मज़े से रहता और सबसे प्यारा हाथी अपने राजा का कहलाता था। हाथीवान का वो कोई भी दबाव, कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, कोई भी बात को समझता नहीं था और अपनी बात हमेशा मनवाता था। उसके इसी पागलपन के चलते उसने अपने महावत को, जो हाथीवान रहता है, मार डाला। जैसे ही राजा साहब ने सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया और मोती को दी गई खास सवारी की पदवी उससे छीन ली गई। मोती को जंगल में छोड़ दिया गया और उसे लकड़ियाँ ढोने और पत्थर लादने का काम दे दिया गया। पीपल के पेड़ की मोटी जंजीरों से और बांध कर टहनियाँ उसको खाने के लिए सूखी दी जाने लगीं। ऐसी दशा सोचकर जो मोती था वो सोचता था कि कहाँ मैं सबसे प्यारा जानवर था और अब एक मामूली जानवर बनकर रह गया हूँ। यह सोचकर वो बहुत परेशान होता, बहुत जोर जोर से चिंघाड़ता। अपनी बंधी रस्सी, लोहे की जंजीरें एक दिन उसने ऐसा करते करते तोड़ दी और जंगल की तरफ निकल गया। नदी में जाकर जंगल की वो बहुत नहाया और जैसे ही राजा साहब के सिपाही उसे पकड़ने के लिए आए, वो डर के मारे दौड़ने लगा और जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों के एक झुंड को देखता है, पर सभी उसको देखते ही अपना मुँह फेर लेते हैं, क्योंकि शायद उन सभी मित्रों का यह अभिप्राय रहता है कि तुम गुलाम थे और अब तुम नमक हराम, मतलब उपकार न मानने वाले हो गए हो। अब मोती जो था उसके पीछे राजा साहब के शिकारियों के साथ घोड़े चले आ रहे थे। वह फौरन बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप जाता है। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ता है और राजा साहब जो हैं वो भी जंगल में आ जाते हैं और मोती राजा साहब को देख लेता है और उनके ऊपर गरजता हुआ दौड़ता है। राजा साहब अचानक घबराकर एक छोटी सी झोपड़ी में घुस जाते हैं। फिर झोपड़ी के जो छप्पर को मोती अपनी सूंड से हिलाकर गिरा देता है और रोन कर चूर चूर कर देता है। अंदर राजा साहब डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। आखिरकार दीवार पर चढ़कर वो दूसरी तरफ से भाग खड़े होते हैं। अब इधर मोती छप्पर को रौंदता रहता है, आखिरकार वो दीवार को गिरा देता है। पर जब वो देखता है कि वहाँ राजा साहब नहीं हैं, वो जंगल की तरफ लौट जाता है। उधर महल में लौटकर राजा साहब ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी व्यक्ति मोती को पकड़कर लाएगा उसे 1,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई लोग जंगल गए, पर उनमें से किसी ने भी मोती को नहीं ढूंढ पाए और वापस नहीं लौट पाए। आखिरकार मोती के महावत का एक बेटा, उस महावत का बेटा जिसे मोती ने मार डाला था, उस महावत के बेटे का नाम मुरली था। वो बहुत ही बहादुर बच्चा था। वो मोती को जंगल से लाने के लिए तैयार हो गया। उसका नाम मुरली था। जंगल में पहुंचकर मुरली एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जो ही जंगल से मोती उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, वो बड़े ही स्नेह प्रेम से मोती कहकर पुकारता है। मोती आवाज़ को पहचानता है। वह वहीं रुक जाता है, सिर उठाकर देखता है, उसे मुरली दिखाई देता है। मुरली को देखते ही वो अपने मस्तक पर उसे बिठा लेता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। यह सोचकर मोती को बालक पर दया आ जाती है और मुरली को देखकर मोती सूंड हिलाने लगता है। मुरली उसके मन के भाव को पहचान जाता है, उसकी सूंड पर बैठकर थपकियां देने लगता है एवं चलने का इशारा करता है। सूंड से उठाकर मोती मुरली को अपने ऊपर बैठा लेता है और राजमहल की ओर निकल पड़ता है। राजमहल के द्वार पर सभी देखकर मोती और मुरली को साथ में दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और मुरली सबको कहता है कि डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा।
राजा साहब डरते डरते मोती के सामने आते हैं और बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया था। उन्होंने मुरली को 1,000 रुपये इनाम में देते हैं और मोती को फिर से अपनी खास सवारी का हाथी बना लेते हैं। अब मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो पशु होते हैं वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। आई होप आप सब ने एंजॉय करा इस चैप्टर को, रीड करें, लर्न करें। थैंक यू।